ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर अमरोहा से है, जब भाई की शादी पर मायके आई विवाहिता की झोलाछाप के उपचार से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने झोलाछाप का गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए क्लिनिक पर हंगामा किया। इसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के गाँव आसकपुर निवासी पूनम की शादी 13 वर्ष रहरा थाना क्षेत्र के गाँव चीला निवासी विजेंद्र के साथ हुई थी। वही बताया जा रहा है कि पूनम के 5 बच्चे हैं और पूनम भाई की शादी में आई थी, जहां मंगलवार को अचानक तबीयत खराब होने से उसे आदमपुर के झोलाछाप के आले जाया गया। वही झोलाछाप ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। वही थाना अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है, अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही बताया गया कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परसों दवाई लेना आए, मतलब दवाई लेकर चले गए खुराक खुराक। फिर हम कल आए थे सुबह के टाइम में 11 बजे के टाइम में, हम दवाई लेकर गए तो एक शीशी ही, और शीशी पीते ही आधे ढक्कन, डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने आधे ढक्कन फी लेना, आधे ढक्कन पीते ही गले से नीचे को गर्मी सी आने लगी। तो फिर 3 बजे तक बहुत दिक्कत, 3 बजे नुकेरी बचूंगी नहीं, मरूंगी, मर जाऊंगी सुबह तक, कोई ऐसा तो करा छुरी घुस रहा पेट में। तो हम डॉक्टर उदयवीर पे फोन करा, उदयवीर ने कहा कि तुम मेरी दुकान तक लेकर आ जाओ। हमने गाड़ी ना आई तो हमने कार बुलाई, तुम यहाँ सुबह लेकर आएंगे। उदयवीर डॉक्टर ने कहा, उन्होंने लगाया एक इंजेक्शन, उदयवीर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाते ही मुँह में से झाग आने लगे, झाग आते आते ही मतलब बस उसमें नवाज नवाज रहेगी खत्म, तो लड़की वहीं पर हो गई। तो उधर पे डॉक्टर वहाँ पर गए मुखिया अस्पताल में हसनपुर, हसनपुर पहुँच पहुँचते ही डॉक्टर ने कह दी इसमें कुछ नहीं है, फिर मेरठ ले चलो। मेरठ पहुँचते ही मेरठ पहुँच ही नहीं, खत्म यहीं पर हो गई, फिर मेरठ पहुँच ही नहीं, इसलिए मेरे पापा ने वहीं से गाड़ी रुका दी। तो तुम वहाँ पर कहाँ बुला रहे हो, ये अपनी मन मर्जी चला रहे थे, यही मामला था। तो ये डॉक्टर दुकान कहाँ पर थी? ये है यहाँ पे जैसे धवारसी रोड, धवार चंडी पे, आदमपुर में, आदमपुर। खबर प्रतापगढ़ से है, जब प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी व राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही तुष्टिकरण, जातिवाद व परिवारवाद का आरोप भी लगाया गया। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिमाग की मानसिक संतुलन खोने व अपने परिवार का इतिहास पढ़ने को कहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता तुष्टिकरण की राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं। वही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है, इसमें 25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होने जा रहा है। उसके साथ इस पर से ध्यान बचकाने के लिए समाजवादी पार्टी नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकरण में केवल इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेता जनता का ध्यान जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उससे भटकाने का प्रयास कर रही है। ये समाजवादी पार्टी केवल तुष्टिकरण की राजनीति जाके आगे बढ़ी, परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ी और विवाद की राजनीति करने पे आगे बढ़ी, लेकिन जब विकास की बात आई तो विकास के मुद्दे पर उन्होंने प्रदेश को हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार जो विकास के काम का कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे हैं, जहां 25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसका उस पर ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम। ऐसा कुछ नहीं है आदरणीय भागवत जी पे, पहली बात तो वो बहुत वरिष्ठ है और मैं ऐसे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो विघटन की राजनीति करती है, ऐसे बयानों से समाजवादी पार्टी के नेता अगर उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। हमारे एटा के जलेसर से है, जहां एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि खेतों को जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए अचानक करंट आ गया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। वही पूरा मामला जलेसर के नैनसुक गांव का बताया जा रहा है।
खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिला कराटे संघ के पदाधिकारी एवं खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसके साथ ही जिला जांजगीर चांपा के कराटे खिलाड़ियों ने विशाखापट्टनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 गोल्ड, 5 रजत एवं 4 कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके प्रदर्शन के लिए उनको बधाई भी दी। इसके साथ ही आगामी प्रतियोगिता के लिए तैयार रहने एवं खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां कबाड़ियों पर कार्रवाई के लिए चंद्रशेखर परमा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम ने कबाड़ियों पर छापामार कार्रवाई की। इस छापामार कार्रवाई में कबाड़ी उमेश देवांगन से 348 किलोग्राम, कमलेश कुमार रजक से 500 किलोग्राम एवं अरुण कुमार विश्वकर्मा से 509 किलोग्राम कबाड़ बरामद किया। तीनों कबाड़ियों के पास से 1357 किलोग्राम कबाड़ को बरामद किया गया। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां अवैध कच्ची शराब बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से कुल 30 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। खबर बांदा से है, जहां जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बांदा पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में रहते कभी ऐसा बयान नहीं दिए, वही सपा में जाते ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। अपने जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट आया है, इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और संगोष्ठी भी थी। संगोष्ठी में जो चर्चा व्यापारियों के साथ में, यहाँ के निवासियों के साथ में चर्चाएं हुई हैं, सभी लोगों ने इस आम बजट 2023-24 की भूर भूर सराहना किया है कि ऐसा बजट जो अमृतकाल का बजट है, निश्चित ही देश को विकसित श्रेणी में खड़ा करने के लिए इन 25 सालों का अमृतकाल देश के लिए गौरवान्वित करने वाला बजट होगा। बुंदेलखंड में जैसे तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं किसानों का, मत्स्य का, ऐसे क्षेत्रों में जो बढ़ावा दिया गया है, हमारे एक पूरे बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश को और पूरे देश को लाभ मिलने वाला है। यह ऐसा जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी बजट, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में जो पूर्व में अपने स्वास्थ्य के लाभों को लेकर के मोटा अनाज सबके लिए, पूरे देश के लिए भी लाभकारी है। यहाँ का किसान मोटा अनाज पैदा करके निश्चित रूप से बड़ा लाभ कमाएगा और अपनी पुरानी परंपरागत खेती, प्राकृतिक खेती की और अग्रसर होकर के यूरिया युक्त खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं और उससे तमाम कैंसर, गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, इससे बचाव मिलेगा। ऐसे मिलेट्स ईयर को मनाते हुए अपने बुंदेलखंड के लिए खासतौर से ये हमारे किसानों के लिए एक बड़ी सौगात भी होगी। खबर बांदा से है, जहां देर रात जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परिणाम में अध्यक्ष पद पर राजेश दुबे और महामंत्री पद पर ओम प्रकाश गौतम को विजेता घोषित किया गया। इसके साथ ही चुनाव परिणाम आने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थन ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान विजेता प्रत्याशियों का समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि जिसके बाद विजेता प्रत्याशियों ने हाथ जोड़कर सभियों का आभार व्यक्त किया।
खबर कुशीनगर से है जहां कसिया पुलिस ने क्षेत्र के पडकियावा नहर पुल के समीप फोर लेन पर एक जेसीएम वाहन से 12 गोवंश बरामद किए जिसमें से 10 गाय व 2 बछड़े शामिल हैं। बता दें कि पुलिस के द्वारा जेसीएम को रोके जाने पर 3 अभियुक्त भागने लगे जिसके बाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को दौड़कर पकड़ लिया। वही एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान में कल कसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें सूचना थी कि हाईवे से एक डीसीएम गाड़ी में कुछ गोवंशीय राशि पशुओं को अवैध तरीके से लेके जाया जा रहा है, जिसमें कसिया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और NH-28 से एक गाड़ी का पीछा किया तो उसमें से गाड़ी को रोका, जिसमें से कि 12 गोवंश पशु और 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और पशुओं के लिए उनको जो आश्रय स्थल है वहां पर पहुंचाया गया है। जानकारी मिली कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था? ये गोरखपुर की तरफ से आ रहे थे और ये बिहार को लेकर जा रहे थे। ये खबर प्रयागराज से है जहां जिले के नैनी कोतवाली क्षेत्र में पाठक मार्केट के एजीए कॉलोनी में नारियल पानी विक्रेता की बीती रात हत्या हो गई। सुबह पता चलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद मृतक के पार्टनर को हिरासत में लिया। वहीं नारियल पानी विक्रेता के मुंह और नाक से खून निकल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार युवक ने रात में अपने साथी के साथ शराब पी रखी थी। साथ ही दारू पीने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। जो नैनी थाना क्षेत्र में पड़ी में एक शादी नाम का व्यक्ति है, तो उसका एक और साथ ईशान उसके साथ यहाँ पे नारियल पानी बेचते हैं, तो जो शादी है लड़का उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और इसमें उसके शरीर पे कोई जहरीला चोट के निशान नहीं है, तो जो मॉजर डेथ है वो पीएम के बाद भी उसका रिलीज होगा। जो उसका साथी है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और मधुरा से आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। वह युवक को यमुना में कूदते देखकर राहगीरों ने सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। पुलिस दमकल विभाग और बोझ क्लब का दस्ता कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। वही दिन भर तलाश के बाद भी युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। थोड़ा इस पे लेन देन हो गया 1-1.5 लाख रुपए का, और ये जो कर्ज वाले हैं उन्होंने मतलब परेशान कर रहे हैं, तो जाने मतलब लिख के यहाँ पर जाए पर्चा और मोबाइल लिख गया है वाल की मैं आत्महत्या कर रहा हूँ जमुना में खुल के, और जी नंबर लिख के दिया हुआ मैं मान की ये किसी को भी मिले मेरे घर पर सूचना कर दें। क्या नाम था इसका? जावेद। पुरानी कोई इंजिस वगैरह तो नहीं है? शादी होगी इसकी? हाँ शादी होगी, बच्चा एक अभी होने वाला है 2-4 दिन।